नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली के लिए कुछ स्पेशल मिठाई, जिसमें हम चीनी का एकदम भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये काफ़ी टेस्टी भी हैं। चलिए देखते हैं इसको बनाना। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं काजू की बर्फी, जिसको हमने बिना गैस जलाए बनाया है। इसके लिए हम ले लेंगे एक कटोरी काजू और फिर हम लेंगे आधा कटोरी से थोड़ा कम नारियल का बुरादा और एक कटोरी हमने लिए हैं डेट्स यानी कि खजूर और इसके हमने बीज निकाल दिए हैं। अब हम लेंगे 3 चम्मच तिल और इन सबको हम डाल के पीस लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, इसको पीसने के पहले आप इसको 1 घंटे के लिए मेवे को आप फ्रिज में रख दीजिएगा, स्पेशली नारियल का बुरादा और आपके काजू, क्योंकि वरना ये तेल छोड़ देंगे आप। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। वैसे तो इसमें आपको कोई चीज़ अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है आपका थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं और इस तरह से आप इसको 2 बॉल्स में डिवाइड कर लीजिए। एक बॉल में हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन कलर और एक में डालेंगे हम रेड कलर। अब इसको हम उसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है ग्रीन कलर ऐसे नहीं आ रहा है तो इसमें 1 चम्मच आप दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए और फिर आप इस तरह से रेड कलर को भी इसमें मिक्स कर लीजिए। और अब हमें इसको 4-4 बॉल में हमने इसको डिवाइड कर लिया है, तो रेड वाली बॉल को आप अच्छा से एक सर्कल बना के रख लीजिए, गोल गोल इसकी बॉल्स बना लीजिए। और ग्रीन वाली को हम लेंगे इस तरह से हाथ से दबा लेंगे। हाथ पे थोड़ा सा आप लेके रखिएगा क्योंकि ये काजू है खाली तो ये टूटने लगेगा। अब हम इसको इस तरह से हाथ पे दबा के इसके बीच में हम ये वाली बॉल रख देंगे और इस तरह से हम इसको चिपका देंगे इसके ऊपर दोनों तरफ से लेके। स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये टूट रहा है, लेकिन आप इसको जब हाथ से हल्के हल्के प्रेस करेंगे तो ये पूरा उसके ऊपर चिपक जाएगा। और ये देखिए, हमने इस तरह से ये बॉल तैयार कर ली है। देखिए इसी तरह से हम सारी बॉल्स को तैयार कर लेंगे। मेरे हाथ में पूरा एकदम इसका तेल भी लग गया है। ये देखिए हमारी 4 ही बॉल तैयार हैं। अब इसको नाइफ से हल्का हल्का कट कर देंगे। देखिए ये इतनी देर से बाहर है तो ये थोड़ा सा आपका टूट भी सकता है, वरना आप इसको अगर काटने के पहले थोड़ी देर आधा घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए अब इसको फ्रिज में रख दीजिए तो ये आपका आसानी से कट जाएगा और ये आपकी मिठाई तैयार है। देखा इसको बनाना कितना ईजी है। इसको बच्चे भी बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी गैस का यूज़ नहीं किया है। अब हम बनाएंगे कलाकंद और इसमें भी हम चीनी का यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम ले लेंगे 1/2 लीटर दूध और फिर हम इसको गैस पे उबलने चढ़ा देंगे और इसमें हम डाल देंगे 2-3 इलायची कूटकर और इसको हम जब तक इसमें खोल आएगा तब तक कि हम खोया निकाल लेते हैं। अब मैंने इसके अंदर 200 ग्राम खोया डाला है, 1/2 लीटर दूध के अंदर मैंने 200 ग्राम खोया डाल दिया है। अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम धीमी आंच पे चलाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे हम इसको चलाएंगे वरना ये नीचे से लगने लगेगा। ये देखिए ये अच्छे से गाढ़ा हो गया। तो अब हम इसके अंदर मिश्री का पाउडर मैंने डाला है, मैंने मिश्री को मिक्सी में पीस लिया है और उसको मैंने डाला है। मिश्री जो होती है वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, तो आप मिश्री आपको आसानी से अवेलेबल भी होती है। अब जब चीनी अच्छे से मिल के ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको किसी बर्तन पे निकाल लेंगे। इस तरह से हमने निकाल लिया और आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऊपर डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें बादाम डाला है, आप पिस्ता भी डाल सकते हो। इस तरह से हम इसके ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और ये सारे ड्राई फ्रूट जब लग जाएंगे तब हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे
ठंडा होने के लिए, या आप बाहर भी छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सेट हो चुका है और अब हम इसको काट लेंगे। और आपको जल्दी करना हो तो आप इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये हमारी कलाकंद तैयार हो गई है। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही अच्छी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।